जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज ट्रांसलेशन वो भी एक्सरसाइज 5 है टू हैव फॉर किसका है द लूसेंट्स हाई स्कूल इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 5। वैसे लोग जो चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं आप सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले, और किसी तरह का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, जो कि हमें ये प्रयास मिला है क्या हो आपकी जो मन में फोबिया हो फोबिया हटे और आपकी जीवन बेहतर हो। इस प्लानिंग से इस उद्देश्य से मैं मोटिवेशनल बातों को रखता हूँ हमेशा, कहानी भी स्पोकन भी सीखेंगे तो पूरी चीज़ों को जाकर वहाँ से देख सकते हैं डिटेल। अगर अकेडमिक बच्चे हैं तो वहाँ वो भी सीख सकते हैं। तो आज की जो क्लास होगा इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट की उपस्थिति होगा, उसके बाद हेड, उसके बाद एन पॉसिबिलिटी है आ भी सकता है न भी आएगा, अदर वर्ड करता हूँ, लेकिन हेड का जो मीनिंग आएगा पास या रखना का सेंस देगा। सब्जेक्ट हेड एन प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कहिए उसी इसलिए लिख दिया हूँ। देखते हैं आज का। राम के पास अच्छी पुस्तकें थी तो बनेगा राम हैड गुड बुक्स। मोहन के पास काफ़ी चीनी थी, मोहन हैड एनफ शुगर। नेक्स्ट है उन लोगों के पास दो छुरियां थी तो दे हैड, अब टू आ गया है तो इसके बाद नाउन होगा प्लुरल तो नाइफ्स के एन आई वी ई एस नाइफ्स। नेक्स्ट शिवम के पास नई कलमें थी, शिवम हैड न्यू पेंस। नेक्स्ट कल्लू के पास एक शब्दकोश था, कल्लू हैड अ डिक्शनरी डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई। फिर कहता है दिव्यांशु एक कंप्यूटर रखता था डी आई वी वाई ए एन एस एच यू। दिव्यांशु हैड अ कंप्यूटर सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर। नेक्स्ट मुझे आत्मसंतोष था तो आई हैड सेल्फ सटिस्फैक्शन। नेक्स्ट कहता है रोगी को सिरदर्द था द पेशेंट पी ए टी आई ई एन टी पेशेंट हैड हेड एच एच ई ए डी ए सी एच ई द पेशेंट हैड हेड एच। नेक्स्ट देश को अनेक समस्याएं थी द कंट्री हैड मैनी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है लड़कियों के पास आकर्षक फ्रॉक थे द गर्ल्स हैड अट्रैक्ट ए डबल टी आर ए सी टी आई अट्रैक्टिव फ्रॉक एफ आर ओ सी के एस। नेक्स्ट रोजी के पास मधुर आवाज थी रोजी
had mother the sweet the SWWT sweet voice. Next, Rajendra एक बंदर रखता था. Rajendra RAJENDRA. Rajendra had a monkey. Next, किसानों के पास पर्याप्त भूमि थी. The farmers had enough land. L-A-N-D. Next, मुझे आशा थी तो I had hope. उन लोगों का विश्वास था. दे हैड फेथ. और उन लोगों का आशा था तो फेथ नहीं रखिए, सॉरी होप रखिए. सॉरी होप. दे हैड होप. इसको कट कर देता हूँ. उन लोगों का विश्वास था. दे हैड फेथ. नेक्स्ट है, नेता को समर्थक थे. मतलब द फिन लगाते तो लीडर्स लगाते हैं हम. बहुत मानी की बात करते. द लीडर्स हैड सपोर्टर्स. हमने ये दिखाने का प्रयास किया सेंटेंस में कि सब्जेक्ट पुलर रखा हूँ, लीडर्स रखा हूँ, इसीलिए हमको सपोर्टर में भी एस लगाना पड़ रहा है. अब इसका मीनिंग देखते हैं. नेक्स्ट है छुरियाँ. तो नाइफ्स, सिरदर्द, हेडेच, आवाज़ का वॉयस, कॉन्फिडेंट विश्वास, डिक्शनरी शब्द कोश, अट्रैक्टिव आकर्षक, भूमि का लैंड, समर्थक का सपोर्टर, आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, फ्रॉक माने फ्राक, होप मतलब आशा, मधुर का स्वीट या मिलोडियस. इसका नेक्स्ट सेशन है हिंदी में. इंग्लिश टू हिंदी करना है. आई हैड अ गिटार. मेरे पास एक गिटार है. गिटार इज ए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट की कथी है. नेक्स्ट है यू हैड अ फ्लूट. तुम एक बांसुरी रखते थे. नेक्स्ट कहता है दे हैड अ बस. उन लोगों के पास एक बस था. नेक्स्ट है यीशु एंड सुमी हैड अ वीडियो कैमरा. यीशु और सुमी. यीशु और सुमी पास एक वीडियो कैमरा है. नेक्स्ट द बुक हैड पिक्चर. किताब के पास तस्वीरें था या थे. नेक्स्ट द फिल्म हैड सॉन्ग्स. फिल्म के पास गाने थे. नेक्स्ट द विलेज हैड मेनी पॉन्ड्स.
गांव के पास बहुत तालाबे था। द पॉन्ड्स हैड मच वाटर। द पॉन्ड्स हैड मच वाटर। तालाबे के पास बहुत पानी था। नेक्स्ट है, द बुक्स हैड मैनी पेज। किताब के पास बहुत पेज था। पेज मैंने पेज में कहते बहुत पेज था। द फिल्म हैड मैनी सॉन्ग्स। फिल्म के पास बहुत गाने थे। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज फाइव जो कि लुसेंट का जो भर्ब का टू हैव फॉर्म था इसको हम लोग ने देखा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप इसे अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि सबको फायदा हो सके। हैव ए नाइस डे।